गुड आफ्टरनून ऑल, आई एम डॉक्टर इंदु मोहन, एसोसिएट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन. ऑलरेडी यू नो अबाउट द कम्युनिटी मेडिसिन अलॉन्ग विथ एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री. कम्युनिटी मेडिसिन विल ऑल्सो स्टार्टेड फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑनवर्ड एंड टिल थर्ड ईयर पार्ट वन. जो आपका फाइनल एग्जाम होगा वो थर्ड ईयर पार्ट वन में होगा, है ना. तो हम 3 साल तक आपके एवरी ईयर कम्युनिटी मेडिसिन की पोस्टिंग होगी, क्लासेस होंगी, बट एग्जाम जो होगा वो थर्ड ईयर पार्ट वन में होगा. ऑलरेडी जैसे हमने इंट्रोडक्शन वाले दिन बोला था कि आपको पार्क पी एस की जो बुक है पार्क, वो भी खरीदनी है, है ना. इंटीग्रल पार्ट जो है हमारा पी एस एम में कम्युनिटी मेडिसिन में, दैट इज फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम. वॉट इज फैमिली? किसको बोलते हैं फैमिली? क्या है आपकी फैमिली, है ना. कौन कौन रहता है फैमिली में? पेरेंट्स हैं, ब्रदर सिस्टर आपके, हो सकता है किसी की फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स भी साथ रहते हों. कई लोगों की फैमिली में अंकल आंटी चाचा चाची भी साथ रहते हों, है. तो ये डिफरेंट टाइप की फैमिली, मतलब ब्लड रिलेटिव लिविंग टुगेदर एंड शेयरिंग कॉमन किचन, है. तो ये फैमिली के, तो जो फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें हम जो हम अडॉप्ट करेंगे फैमिली, उसमें फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में आपको जब आप फील्ड विजिट में जाओगे, जो भी हमारा एरिया है या रूरल या अर्बन एरिया, उसमें से सबको 5-5 फैमिलीज अलॉट करी जाएगी. और वो फैमिलीज को आपको कब तक, आपके जो फाइनल MBBS तक या से पार्ट वन तक, आपको उनको कंटिन्यू उनको विजिट करना है. क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है, जो क्यों NMC ने फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम स्टार्ट किया है? कुछ लग रही है इंपॉर्टेंस आप लोगों को? अभी रिसेंटली, पहले भी होता था बट अभी ये किया है कि आपको फैमिली अलॉट करेंगी एवरी ईयर. आप जब भी मतलब जो आपके आवर्स अलॉटेड हैं, जैसे टोटल 80-120 आवर्स अलॉटेड है फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के लिए, तो उसमें आप जाके उस फैमिली को देखोगे, उस फैमिली का सर्वे करोगे. जो मैं आपको लॉग बुक भी आपको अलॉट दे दी जाएगी फर्स्ट ईयर में. इस लॉग बुक को आप जब अपनी फैमिली विजिट करोगे तो इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको फिल करोगे. क्या इंपॉर्टेंस हो सकती है इसकी? पहले प्राइमरी फिजिशियन को दिखाएं,
वो रेफर करें अप्रोप्रिएट डॉक्टर के पास में, और उनके थ्रू वो डायग्नोसिस क्या होगा, क्वालिटी भी इम्प्रूव होगी, और जो हमारे टेस्टिंग सेंटर्स हैं उनमें आपको भीड़ भी कम होगी और क्वालिटी सर्विसेज मिलेगी। अभी क्या होता है ओवरलोडेड होने की वजह से क्वालिटी सर्विस नहीं मिल पाती। तो हमने बात की कि हमें होलिस्टिक अप्रोच रखनी है, जो अपना फैमिली मेडिसिन के प्रिंसिपल क्या है और फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम क्या है उसके बारे में बात करेंगे। वट इज फैमिली? तो फैमिली इज डिराइव फ्रॉम रोमन वर्ड फैमुलस विच मीन्स सर्वेंट। फैमिली इज ए ग्रुप ऑफ पर्सन यूनाइटेड बाय द टाइज ऑफ मैरिज ब्लड अडॉप्शन लिविंग टूगेदर ईटिंग फ्रॉम ए कॉमन किचन। तो मैरिज के बाद अगर दोनों स्पाउस हैं, बच्चे हैं, या उनको लीगली बच्चों को अडॉप्ट किया है जो कि कॉमन किचन शेयर कर रहे हैं, तो दैट इज फैमिली। कितने टाइप की हो सकती है फैमिली? इट मे बी न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली एंड थ्री जनरेशन फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली में पेरेंट्स और उनके बच्चे जो अनमैरिड है ना। जॉइंट फैमिली में अगर फैमिली में अंकल आंटी साथ रह रहे हैं तो दैट इज जॉइंट फैमिली। और थ्री जनरेशन फैमिली अगर ग्रैंड पेरेंट रह रहे हैं, मम्मी पापा हैं और बच्चे हैं, है ना, इसमें और मतलब अंकल आंटी वगैरह नहीं है तो वो थ्री जनरेशन फैमिली हो गई। क्यों इम्पॉर्टेंट है फैमिली वाइज हम बात करें तो द फैमिली इज ए प्राइमरी यूनिट ऑफ ऑल सोसाइटी। हाउस होल्ड इज डिफरेंट फ्रॉम फैमिली। क्या डिफरेंस है हाउस होल्ड में और फैमिली में? एक घर में तो रह रहे हो, हाउस होल्ड नंबर कईयों के सेम होता है कि एक आप घर में रह रहे हैं, हाउस होल्ड सेम है बट डिफरेंट डिफरेंट किचन है। कई बार होता है ना एक पूरा कॉमन एक बिल्डिंग में रह रहे हैं लेकिन सबके किचन अलग अलग है, सब अपनी अपनी, जैसे अगर तीन भाई हैं तो तीनों की किचन अलग है। हाउस होल्ड सेम है, उनका घर सेम है बट उनके किचन सेपरेट है, वो अलग रह रहे हैं, तो उनके फैमिलीज हो सकता है एक हाउस होल्ड में दो या तीन फैमिलीज भी रह रही हों, है ना। अगर आपका साथ में आपका सर्वेंट है वो आपके यहाँ पे रह रहा है तो हाउस होल्ड मेंबर हो सकता है बट नॉट फैमिली मेंबर। डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ फैमिली एज ए बायोलॉजिकल यूनिट, शेयर ए पूल ऑफ जीन्स, सोशल यूनिट, कॉमन फिजिकल एंड सोशल एनवायरनमेंट एंड कल्चरल यूनिट। कई बार हम बात करते हैं कि अलग अलग, जैसे आपकी फैमिली तो बायोलॉजिकल यूनिट है, बायोलॉजिकली रिलेटेड है बट कई बार क्या होता है कि सोसाइटीज बनी हुई होती हैं तो वो भी सोशल किसी भी हम वजह से, या जैसे कई सोसाइटी बनी है जैसे रोटरी क्लब है, है तो ये कोई एक मेन एम की वजह से वो आपस में जुड़े हुए हैं तो वो भी एक तरह से फैमिली है। जैसे महात्मा गांधी है तो महात्मा गांधी में सब जो लोग काम कर रहे हैं वो एक महात्मा गांधी की फैमिली है, है ना। तो वहाँ किसी फिजिकल और सोशल एनवायरनमेंट की वजह से अगर रह रहे हैं तो वो एक सोशल यूनिट हो गई, कल्चरल यूनिट हो गई, जैसे अलग अलग कल्चर्स के लोग मिले हुए होते हैं, है ना, बने बने होते हैं ना कि जैसे किसी कोई ग्रुप बना हुआ है कास्ट की वजह से या कोई ऑक्यूपेशन की वजह से तो वो एक कल्चरल यूनिट है। एंड एपिडेमोलॉजिकल यूनिट फॉर प्रोवाइडिंग सोशल सर्विसेज एंड मेडिकल केयर। जब हम एपिडेमोलॉजिकल सर्वे करते हैं, आप जब PSM में पढ़ेंगे तो एपिडेमोलॉजिकल यूनिट क्या होता है कि जब जिस पर हम रिसर्च कर रहे हैं कोई भी एक ग्रुप है, जैसे मान लो हमने बात की हम ऑक्यूपेशन, अगर मान लो कोई माइन वर्कर है, अगर हम उस लेबर क्लास पे एक हम सर्वे कर रहे हैं तो वो हमारी एक एपिडेमोलॉजिकल यूनिट हो गई। अब जब आप फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के लिए जाएंगे तो वो विलेज आपका क्या हो गया, एक एपिडेमोलॉजिकल यूनिट हो गई। एपिडेमोलॉजी का मतलब उसमें हम रिसर्च कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि रिस्क फैक्टर क्या है, कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम क्या हो सकती है, तो जिन पर हम रिसर्च कर रहे हैं दैट इज ए एपिडेमोलॉजिकल यूनिट हो गई। तो आप जब हम वो चाहे एक विलेज हो सकता है, एक कोई ऑफिस हो सकता है या कोई पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन से रिलेटेड लोग हो सकते हैं, कॉमन करेक्टरिस्टिक के लोग हैं तो वो एक एपिडेमोलॉजिकल यूनिट है। फैमिली प्रैक्टिस इज ए कॉम्प्रिहेंसिव मेडिकल स्पेशलिटी दैट प्रोवाइड हेल्थ केयर टू इंडिविजुअल एंड फैमिलीज अक्रॉस ऑल एजेस, जेंडर एंड डिजीज। तो इसमें फैमिली मेडिसिन में ऐसा नहीं है कि हम खाली पीडियाट्रिक ग्रुप के बच्चों को देखेंगे या एडल्ट्स को ही देखेंगे, या गायनी में जैसे हम खाली फीमेल्स को देख रहे हैं या रेस्पिरेटरी में, तो मतलब इसमें हम ऑल एजेस को देख रहे हैं ना। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हो गई, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव, प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटेशन, मतलब आपने सब कुछ इसमें
सारे मतलब एक फैमिली में जा रहे हो तो फैमिली में क्या कर रहे हो आप, सब तरह के लोग होंगे वहाँ पे, बच्चे भी होंगे है ना, रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप की फीमेल्स भी होंगी, एल्डरली पॉपुलेशन भी होगी, तो आपको सबको ही देखना है। तो जब हम फैमिली मेडिसिन की भी जो हम पोस्टिंग लगाते हैं तो उनकी MD जब कर रहे होते हैं तो इसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में पोस्टिंग लगती है। पीडियाट्रिक में 3 महीने की पोस्टिंग, आपके उसमें कम्युनिटी गाइनी में पोस्टिंग लगती है, मेडिसिन में पोस्टिंग लगती है, तो उसमें आपके हर एज ग्रुप के लोगों को वो देख सकते हैं। तो फैमिली मेडिसिन में आपका कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, आप हर जेंडर, हर एज ग्रुप को और हर तरह की डिजीज के बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। व्हाट इज की फैक्टर और की फीचर ऑफ फैमिली प्रैक्टिस? इट इज कंटिन्यूटी ऑफ केयर ओवर टाइम। जैसे हमने बात की कि हम क्या कर रहे हैं, आपको 5 फैमिलीज फर्स्ट ईयर में अलॉट कर रहे हैं, और उसको कब तक आपको फॉलो करना है, अप टू द थर्ड ईयर पार्ट वन तक उसी फैमिली को, सेम फैमिलीज को फॉलो करना है ना। तो ये कंटिन्यूटी ऑफ केयर ओवर टाइम, इससे क्या बेनिफिट होता है? जब हम कंटिन्यू उन्हीं पेशेंट्स को हम फॉलो कर रहे हैं तो क्या बेनिफिट होगा? एक तो नेचर ऑफ डिजीज हमें पता चलेगी है ना, कि उस फैमिली में ये प्रॉब्लम क्यों ज़्यादा है, इंसिडेंस इस का ज़्यादा क्यों है इस कम्युनिटी में, क्योंकि आपने क्या किया, वो खाली पेशेंट को नहीं देख रहे हो। जब आपके पास पेशेंट OPD में आता है तो आप क्या करते हो, खाली अपने को पेशेंट के बारे में पता चलता है, बट जब हम फैमिली में जाएंगे तो हम क्या कर रहे हैं, वहाँ पे एनवायरमेंटल कंडीशन भी देख रहे हैं, उनका न्यूट्रिशन भी देख रहे हैं है ना, और उनका सोशल क्लास क्या है वो भी देख रहे हैं, उनका ऑक्यूपेशन किस तरह का है वो भी देख रहे हैं, तो सारी चीज़ें हम कॉम्प्रिहेंसिव वे में देख रहे हैं। तो इसलिए उसका यह है कि हमें एक ओवरऑल कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है हमारी है ना, तो उससे हमें डायग्नोसिस बेटर होगा। अभी जैसे आपने देखा कि आप एक पेशेंट आपके पास में आया OPD में, उसको स्केबीज है ना, तो आपने क्या किया, खाली पेशेंट को देखा, बट आप घर जाओगे तो क्या देखोगे और, कि उनकी हाइजीनिक कंडीशंस कैसी हैं, है वो सेम बेडशीट तो यूज नहीं कर रहे हैं है ना। मलेरिया के जैसे आपने देखा कि मलेरिया का पेशेंट आया तो आप वहाँ घर पे आप विजिट करोगे तो क्या देखोगे, वहाँ पे क्या फैक्टर्स हो सकते हैं, कि उनके घर के आसपास कोई पानी तो नहीं है खुला जिसमें मॉस्किटो ब्रीड हो रहे हैं है? उनके मॉस्किटो नेट लगी हुई है कि नहीं लगी हुई है? और उनको आप एडवाइस भी कर सकते हो वहाँ पे फैमिली मेम्बर्स को है ना, कि यहाँ से आप सफाई रखो, इसलिए आपको ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है क्योंकि आपके ये जैसे आपने देखा कि माल नरिशमेंट ज़्यादा है उस फैमिली में, तो आप पूछो। अपन डाइट्रिक हिस्ट्री भी लेंगे, जो हम फैमिली सर्वे करेंगे तो उसमें क्या कर रहे हैं, हम डाइट्रिक हिस्ट्री भी ले रहे हैं, तो देखा कि हमने माल नरिशमेंट है वहाँ पे है ना, कोई एक छोटा बच्चा है तो आपने साथ के साथ उसको आपने, ठीक है प्रॉब्लम हो सकता है फैमिली में एक ही आदमी को, किसी को कार्डियोवैस्कुलर डिजीज है, बट हो सकता है उनके घर में एक बच्चा है जो माल नरिश्ड है, तो आपने क्या किया, एडवाइस भी किया उनको। तो हम कॉम्प्रिहेंसिव केयर में क्या कर रहे हैं, हम प्रमोटिव एस्पेक्ट भी रख रहे हैं, मतलब हम एजुकेट भी कर रहे हैं है ना, प्रिवेंटिव भी दे रहे हैं, उनको इम्यूनाइजेशन के बारे में भी बता रहे हैं, और क्यूरेटिव भी हम उनको एडवाइस कर रहे हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है। तो सेकंड की फीचर इज कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू द एंटायर फैमिली यूनिट। कम्युनिटी ओरिएंटेड केयर इन फैमिली प्रैक्टिस। तो फैमिली प्रैक्टिस में फैमिली प्रैक्टिस लुक्स बियॉन्ड द इंडिविजुअल टू एड्रेस कम्युनिटी लेवल हेल्थ इशू। तो हमने क्या किया, जैसे हम फैमिली में हम गए हैं तो खाली इंडिविजुअल या फैमिली की बात नहीं कर रहे, हम कम्युनिटी को भी देख रहे हैं, जिस एनवायरमेंट में वो रह रहे हैं उसको भी हम अप्रोच कर रहे हैं। हो सकता है उनको ये प्रॉब्लम, हमने पूछा कि आपको इतना टाइम से आपके बच्चे को डायरिया था, आपने क्यों नहीं दिखाया, तो हो सकता है उनको हेल्थ फैसिलिटी ही नहीं हो वहाँ पे, उनको पता ही नहीं हो कि इसको कब दिखाना है, कहाँ दिखाना है। तो एक कम्युनिटी अप्रोच होगी कि वहाँ हो सकता है हेल्थ फैसिलिटी नहीं हो, अवेयरनेस नहीं हो कम्युनिटी में उसके बारे में, तो दैट इज कम्युनिटी ओरिएंटेड फैमिली प्रैक्टिस। की फोकस एरिया एनवायरमेंटल फैक्टर एंड सोशल डिटर्मिनेंट ऑफ हेल्थ। तो जब हम डिटर्मिनेंट्स की बात करते हैं हेल्थ के, तो कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हो सकते हैं हेल्थ से रिलेटेड? डिटर्मिनेंट्स मतलब रिस्क फैक्टर क्या हो सकते हैं, जो एनवायरमेंटल फैक्टर, एक तो सबसे पहले तो हमारे बायोलॉजिकल फैक्टर ही हो सकते हैं है ना, उसमें और एनवायरमेंटल फैक्टर हो गए, सोशल फैक्टर हो गए, जैसे किसी के एजुकेशन, लिटरेसी, एम्प्लॉयमेंट, कल्चर, कल्चरल फैक्टर हो सकते हैं कि कल्चर ही है किसी फैमिली में कि हम उसको एक साल तक बच्चे को कुछ नहीं खिलाएंगे है ना, वो कल्चर है उनकी फैमिली का, पर्दा प्रथा जैसे पहले थी राजस्थान में, वो एक कल्चर था है ना। तो
इस तरह के कई कल्चरल फैक्टर्स भी हो सकते हैं। और इसके अलावा जेनेटिक हो सकता है और पॉलिटिकल फैक्टर। वेरी गुड। क्या हो सकते हैं पॉलिटिकल फैक्टर? यह जैसे अभी राजस्थान में तो चिरंजीवी योजना स्टार्ट हो गई है ना, भामाशाह है, तो सर्विसेज हैं, लोग जाके अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, बट हो सकता है कि कोई अवेयर ना हो। तो पॉलिटिकल फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है वहाँ स्टाफिंग पूरी है कि नहीं है, वहाँ पे एम्बुलेंस है कि नहीं है, वहाँ फैसिलिटीज है कि नहीं है, तो बहुत सारी ये पॉलिटिकल फैक्टर है। और अवेयरनेस, तो एजुकेशन भी इम्पोर्टेंट है और लिटरेसी है ना, और इनकम, अगर पैसा भी होना चाहिए उनके पास में, एम्प्लॉयमेंट होगा तो ही वो दिखा सकते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ फैमिली प्रैक्टिस, इट इज पेशेंट सेंटर्ड केयर, फोकस ऑन द पेशेंट्स नीड एंड फैमिली इन्वॉल्वमेंट। तो अगर हम पेशेंट सेंटर्ड हैं, जब हमने फैमिली विजिट किया, कोई भी पेशेंट है मान लो, तो हम उसकी फैमिली का भी इन्वॉल्वमेंट रखेंगे उसमें। अगर बच्चा हमें मालनरिश्ड लग रहा है तो उसकी मदर को एजुकेट करना है कि इसको किस तरह का फूड दे, है ना। कॉम्प्रिहेंसिव केयर है जो ऑलरेडी हम डिस्कस किया है, प्रिवेंटिव डायग्नोस्टिक्स ट्रीटमेंट एंड फॉलो। कंटिन्यूटी ऑफ केयर, कंटिन्यूटी केयर अक्रॉस ऑल लाइफ स्टेजेस। कम्युनिटी ओरिएंटेड केयर, कंसिडर द ब्रॉडर सोशल एंड एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर, कोलैबोरेटिंग विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। विलेज लेवल पे अगर हम बात कर रहे हैं तो अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कौन हो सकते हैं जिनसे हमें कोऑर्डिनेट करके हम इम्प्रूव कर सकते हैं हेल्थ केयर सिस्टम को? नर्सिंग स्टाफ है, आशा जो विलेज में होती है, आशा जो 1,000 पॉपुलेशन पे एक आशा है ना, इन रूरल एरिया जो कि नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का ही पार्ट है, और आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, है ना, तो वो जो इम्यूनाइजेशन के लिए उनको मोटिवेट कर सकते हैं, और मिड डे मील प्रोग्राम है, और कौन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के अलावा कम्युनिटी में कौन हो सकता है जिनसे कोऑर्डिनेशन से हम बेटर एनवायरनमेंट कर सकते हैं, बेटर हम हेल्थ फैसिलिटीज दे सकते हैं? एनजीओ, लोकल एनजीओ हो गया, सरपंच भी आजकल इम्पोर्टेंट है वहाँ पे, है ना, और पीएचईडी है ना, जो सेफ वाटर सप्लाई के लिए, है ना, तो ये सारे ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी हो, जैसे एम्बुलेंस वगैरह हो वहाँ पे, तो ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम कोऑर्डिनेट करके हम कोलैबोरेट कर सकते हैं विद अदर हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो दीज आर प्रिंसिपल ऑफ फैमिली मेडिसिन, कॉम्प्रिहेंसिव, कंटिन्यूटी ऑफ केयर, कोऑर्डिनेशन ऑफ केयर, होल पर्सनल केयर एंड पर्सन सेंटर्ड केयर, एंड दीज आर द प्रिंसिपल ऑफ फैमिली प्रैक्टिसेस, डेडिकेटेड टू द पर्सन, अंडरस्टैंड द कंटेंट्स ऑफ इलनेस। आप जब फैमिली विजिट करेंगे तो हमें ये भी पता चलेगा कि इनकी फैमिली में ये प्रॉब्लम क्यों है, या इस वाले पेशेंट को ये प्रॉब्लम ज़्यादा क्यों हो रही है ना, क्योंकि हम उनका फैमिली का एनवायरनमेंट भी चेक कर रहे हैं साथ में, उनका हिस्ट्री भी हम ले रहे हैं, तो उसे हमें उसका इलनेस का जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं उनका भी पता चलेगा। ऑल कॉन्टैक्ट विद पेशेंट एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्रिवेंशन एंड हेल्थ एजुकेशन, क्योंकि आपने एक ही पेशेंट को नहीं देखा वहाँ पे कि ओपीडी में क्या हो रहा है, हम एक पेशेंट को ही देख रहे हैं खाली, लेकिन जब हम फैमिली में जा रहे हैं तो क्या हो रहा है कि सारे फैमिली मेंबर से हम कांटेक्ट कर रहे हैं, तो हम क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिल रही है इसमें उसका प्रिवेंशन और हेल्थ एजुकेशन की। देन प्रैक्टिस एज ए पॉपुलेशन एट रिस्क, अगर आपको लग रहा है कि ये फैमिली मेंबर है जो कि स्मोकिंग ज़्यादा कर रहा है ना, या उसका बीड़ी पी रहा है, गुटखा खा रहा है, तो उसमें आप क्या है, वो क्या है, रिस्क पे है, क्या डेवलप हो सकता है उसको आगे चल के, कैंसर हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज हो सकती है, हाइपरटेंशन हो सकती है तो ये हम पॉपुलेशन जो एट रिस्क पॉपुलेशन है उसको हम एजुकेट कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। किस तरह का प्रिवेंशन होगा ये अभी नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगी कि प्रिवेंशन के भी अलग अलग लेवल है कि आप किस लेवल पर, जैसे अगर रिस्क फैक्टर आ गए हैं ऑलरेडी उसमें तो हम इसको बोलेंगे प्राइमरी प्रिवेंशन, आप उसको एजुकेट करके उसको उसकी स्मोकिंग को छुड़वा सकते हो, है ना, उसका गुटखा जो खा रहा है उसके रिस्क फैक्टर हम बता सकते हैं कि भाई ये खाने से ये प्रॉब्लम होगी, तो वो उसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि उसको फ्यूचर में कोई
डिजीज डेवलप ना हो, तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है इन फैमिली प्रैक्टिस में। जो हम फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं उसमें ये अपॉर्चुनिटी है कि जो पॉपुलेशन एट रिस्क है उसको हम एजुकेट कर सकते हैं और हम उसकी डिजीज प्रोग्रेशन को प्रिवेंट कर सकते हैं। दस कम्युनिटी नेटवर्किंग, तो हम जब फैमिली में जा रहे हैं तो वहाँ के हम लीडर्स से, स्टेक होल्डर से, उनसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं। देन लिव इन कम्युनिटी, ए पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑफ फैमिली रिलेशनशिप, होम विजिट, सी पेशेंट एट होम, तो वो कंफर्टेबल होगा क्योंकि जब हम फैमिली विजिट करते हैं तो पेशेंट अपने ही एनवायरमेंट में, अपने घर में थोड़ा कंफर्टेबल होता है, तो वो आपको अच्छे से सारी चीज़ें बता सकते हैं। देन सब्जेक्टिव एस्पेक्ट ऑफ मेडिसिन, सेंसिटिव टू फीलिंग इमोशंस, एंड वो क्या फील कर रहा है, पेशेंट क्या फील कर रहा है, वो आपको ज़्यादा बेटर वे में बता सकते हैं। एंड मैनेजर ऑफ रिसोर्सेज, अगर आपको लग रहा है कि इनको यहाँ पे एम्बुलेंस की फैसिलिटी नहीं है, तो हम जैसे बात कर रहे हैं कि जो स्टेक होल्डर्स वगैरह से बात करके हम उनको प्रोवाइड करवा सकते हैं एम्बुलेंस, अदर जो कोलेबोरेशन कर सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन से, तो यार उनका पास में दूर है उनका हॉस्पिटल, तो उनके पास फैसिलिटी ही नहीं है जाने के लिए, तो अदर रिसोर्सेज भी हम उनको अकोमोडेट करा सकते हैं। व्हाट इज हेल्थ, अब हमने इतनी बात की कि फैमिली मेडिसिन, फैमिली प्रैक्टिस, बट हेल्थ है क्या, किसको बोलोगे आप हेल्थ? खाली डिजीज फ्री हो गया है पेशेंट तो हेल्थ बोलेंगे, या एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है? तो हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। तो खाली ये नहीं है कि उसको कोई बीमारी नहीं है तो वो हेल्दी है, हो सकता है उसको कुछ मेंटल प्रॉब्लम हो, सोशल प्रॉब्लम हो, स्पिरिचुअल प्रॉब्लम, है ना? तो वो अगर स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली हेल्दी है तो ही हम उसको बोलेंगे कि हेल्दी पर्सन है, ठीक है। द एंजॉयमेंट ऑफ द हाइएस्ट अटेनेबल स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ इज वन ऑफ द फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी ह्यूमन बींग विदाउट डिस्टिंक्शन ऑफ रेस, रिलीजन, पॉलिटिकल बिलीफ, इकोनॉमी और सोशल कंडीशन। प्रिवेंटिव केयर इन फैमिली प्रैक्टिस, ए की एलिमेंट इन फैमिली प्रैक्टिस फोकसेड ऑन प्रिवेंटिव डिजीज बिफोर इट अकर। सो देर इज थ्री टाइप ऑफ प्रिवेंशन, हम एज बींग ए कम्युनिटी मेडिसिन में हम ये चाहते हैं कि हम प्रिवेंशन पे ज़्यादा फोकस है रादर देन क्यूरेटिव ट्रीटमेंट पे, है ना, कि पहले ही हम डिजीज होने से पहले ही उसको होने ही ना दें, है ना। तो कौन कौन सी ऐसी स्कीम है गवर्नमेंट की तरफ से या कि जिसमें हम डिजीज को प्रिवेंट कर रहे हैं, कैसे कर सकते हो आप प्रिवेंट? वैक्सीनेशन, और क्या कर सकते हैं हम प्रिवेंशन के लिए? जैसे हमने ऑलरेडी बात की ना, हेल्थ एजुकेशन, हम एजुकेट ही कर सकते हैं उनको, है ना। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इम्यूनाइजेशन करेंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे और रिस्क फैक्टर को अवॉइड करें, है ना, जो आप एजुकेशन के थ्रू ही कर सकते हैं, है ना? और एनवायरमेंटल अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका भी रिडक्शन कर सकते हैं एनवायरमेंटल फैक्टर्स का। तो प्राइमरी प्रिवेंशन क्या, प्राइमरी प्रिवेंशन से पहले भी एक स्टेज होती है प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या है, रिस्क फैक्टर डेवलप हो गया है, जैसे स्मोकिंग डेवलप हो गई है, उसमें स्मोकिंग कर रहा है बंद, लेकिन प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन जो कि बेसिकली बच्चे हैं जो स्कूल, अगर हेल्थ जो बात करते हैं, हम स्कूल एजुकेशन की बात करते हैं, दैट इज पार्ट ऑफ प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन। उसमें क्या है, रिस्क फैक्टर डेवलप नहीं हुए हैं, उससे पहले ही अगर हम प्रिवेंट करेंगे तो दैट इज कि रिस्क फैक्टर ही डेवलप ना हो, है ना, ओबिसिटी ना हो, स्मोकिंग की हैबिट ना हो, डाइट्रिक हैबिट्स अच्छी हो, तो ये पहले से ही हम उनको अगर एजुकेट कर रहे हैं अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में, तो हम उसको प्राइमरी प्रिमोर्डियल प्रिवेंशन बोलेंगे बिफोर इमरजेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन में रिस्क फैक्टर डेवलप हो गए हैं तो इसको हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, बाय, तो इंटरवेंशन क्या होगा प्राइमरी प्रिवेंशन में, दैट इज इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन एंड अवॉइडेंस ऑफ रिस्क फैक्टर्स। एंड सेकेंडरी प्रिवेंशन जो कि हम हॉस्पिटल में कर रहे हैं, है ना, कि पेशेंट को रिस्क फैक्टर डेवलप हो गए हैं और डिजीज भी डेवलप हो गई है, तो उसका कैसे करेंगे कि अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट। अर्ली डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, थ्रू स्क्रीनिंग प्रोसेस। स्क्रीनिंग क्या होता है, कौन कौन से डिजीज हैं जिसमें हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं, स्क्रीनिंग कर सकते हैं?
एचआईवी में, तो जब भी एचआईवी में कर सकते हैं। लिपिड प्रोफाइल जो हम करवाते हैं ना, हर हॉस्पिटल में जाते हैं लिपिड प्रोफाइल, ब्लड शुगर करवाते हैं। आपके भी पेरेंट्स में क्या रूटीन चेकअप होता होगा? हाँ, तो ब्लड शुगर करते होंगे अभी उस, आपका भी मेडिकल चेकअप हुआ होगा यहाँ पे, है ना। तो दैट इज पार्ट ऑफ स्क्रीनिंग कि कोई डिजीज डेवलप तो हो गई है लेकिन उसका हम अर्ली डिटेक्शन करें। जैसे हम कैंसर की बात करें तो कैंसर में अगर हम पेप्समियर एक सर्टेन 35 ईयर के बाद में क्या पेप्समियर करते हैं तो उसे सर्वाइकल कैंसर डिटेक्शन के लिए करते हैं, मेमोग्राफी करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर डेवलप के लिए अर्ली डायग्नोसिस है। तो कुछ टेस्ट हैं जिसमें जिसके थ्रू हम अर्ली डिटेक्शन कर सकते हैं और उसके से टाइमली ट्रीटमेंट कर सकते हैं। देन टर्शरी प्रिवेंशन, मैनेजिंग क्रॉनिक इलनेस एंड रिहेबिलिटेशन। मान लो डिजीज हो गई है किसी को, हार्ट अटैक प्रॉब्लम हो गई है, कैंसर हो गया है, तो उसका ट्रीटमेंट कर दिया, सर्जरी कर दिया, बट अदर उसको रिहेबिलिटेट करना है कि उसको क्रॉनिक स्टेज में नहीं हो और उसका मैनेजेबल हो, रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं। तो वो रिहेबिलिटेशन मेडिकल रिहेबिलिटेशन हो सकता है, वोकेशनल रिहेबिलिटेशन हो सकता है ना। क्यों किसी को मतलब अगर किसी वजह से वो जो प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट जिस जहाँ काम कर रहा है तो उसको हम रिप्लेस भी करें, है ना। तो ये डिफरेंट टाइप के रिहेबिलिटेशन। सो देर इज फोर स्टेज ऑफ प्रिवेंशन, प्रिमोडियल प्रिवेंशन दैट इज प्रिवेंशन ऑफ रिस्क फैक्टर, एंड प्राइमरी प्रिवेंशन फोकसिंग ऑन हाई रिस्क पीपल टू ट्रीट वन फ्रॉम हैविंग ए सीवीडी इवेंट। फिर सेकेंडरी प्रिवेंशन, इंटरवेंशन फॉर सेकेंडरी प्रिवेंशन इज अर्ली डिटेक्शन एंड ट्रीटमेंट, एंड टर्शरी प्रिवेंशन लेट इन द लेट स्टेज ऑफ डिजीज फॉर ट्रीटमेंट एंड रिहेबिलिटेशन। जो ऑलरेडी हमने जैसे हेल्थ की डेफिनेशन बात की थी, तो क्या था? कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। तो डायमेंशन क्या है हेल्थ के? फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, है ना। जब भी हम डायमेंशंस की बात कर रहे हैं तो जिस तरह हम इस कमरे का डायमेंशन की बात करते हैं ना कि इसकी लंबाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है, इसका इसमें लाइटिंग कैसी है, सारा ना डायमेंशंस की बात करते हैं। तो हेल्थ के भी डायमेंशंस हैं कि उसमें फिजिकल भी हेल्दी होना चाहिए, इमोशनली हेल्दी हो, मेंटल एंड सोशल वेलबींग हो, तो तभी हम उसको हेल्दी बोलेंगे। होलिस्टिक केयर इज एन अप्रोच दैट कंसीडर्स फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। होलिस्टिक केयर में ये सारे जो हमने डायमेंशंस की बात की वो एक होलिस्टिक अप्रोच है जिसमें हम सारे ही जो डायमेंशंस हैं उनको देख रहे हैं कि फिजिकल डायमेंशन, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। ट्रीट द होल पर्सन नॉट जस्ट द सिम्टम्स ऑफ डिजीज। हमने जो बात की होलिस्टिक अप्रोच या फैमिली प्रैक्टिस की, उसमें खाली हम उसके सिम्टम को ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, उसका होल अप्रोच देख रहे हैं हम कि उसको सोशल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, मेंटल कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो उसको एज ए कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हमारी होनी चाहिए। ये नहीं कि हमने खाली वो बुखार के लिए आया तो हमने खाली उसको उसका चेकअप किया और मलेरिया है, मलेरिया की दवा दे दी और ठीक हो गया। अगर ब्लड शुगर, उसको डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर ज़्यादा है तो उसको डायबिटीज़ का ट्रीटमेंट दे दिया। हम क्या करेंगे? जो हिस्ट्री, एक्चुअली हिस्ट्री में आप क्या इम्प्रूवमेंट होगा, क्या पूछोगे आप हिस्ट्री में? अगर कोई आपको फीवर का पेशेंट है तो क्या हिस्ट्री होनी चाहिए उसमें? एनवायरमेंटल कंडीशन के बारे में भी पूछना चाहिए, है ना। फैमिली में किसी और को तो नहीं है, आपकी कम्युनिटी में किसी और को तो प्रॉब्लम नहीं है, है ना। ब्लड शुगर है तो आपकी डाइट्रिक हिस्ट्री कैसी है, आपकी फैमिली में जेनेटिक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है उसको जेनेटिक हो कि उसके फैमिली में किसी और को तो प्रॉब्लम नहीं है। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच हमारी होनी चाहिए। स्ट्रेस तो नहीं है, वर्किंग आवर्स क्या है पेशेंट के, तो वो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए। की एलिमेंट ऑफ होलिस्टिक केयर, माइंड बॉडी कनेक्शन, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। तो हम होलिस्टिक अप्रोच में क्या कर रहे हैं? उसके मेंटल हेल्थ के बारे में भी देख रहे हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में क्या कर सकते हैं? जैसे अगर मान लो डायबिटीज, ब्लड शुगर है उसको ज़्यादा है, डायबिटीज का पेशेंट, तो क्या उसमें माइंड बॉडी कनेक्शन, लाइफस्टाइल या साइकोलॉजिकल सपोर्ट, इसका कैसे आप इम्प्लीमेंट करोगे इसको? क्या एडवाइस होनी चाहिए आपकी? लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में आप बात करोगे एक्सरसाइज की, योगा, मेडिटेशन की बात करेंगे, है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट उसको करेंगे। तो हमें एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच होनी चाहिए। होलिस्टिक केयर इन द फैमिली सेटिंग,
फर्स्ट फिजिकल केयर, फोकस ऑन डिजीज प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट, इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ, एड्रेसिंग साइकोलॉजिकल स्ट्रेसर विद इन द फैमिली, सोशल सपोर्ट, अंडरस्टैंडिंग द सोशल एनवायरमेंट, लिविंग कंडीशन, फैमिली डायनेमिक्स एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, कंसिडर द कल्चरल, रिलीजियस एंड पर्सनल बिलीफ। तो जो ऑलरेडी हमने बात की कि होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, जब भी हम कोई पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं या फैमिली में जा रहे हैं, तो हमारी किस तरह की अप्रोच होनी चाहिए, एक होलिस्टिक अप्रोच होनी चाहिए, नहीं कि या कि हम खाली सिम्टम्स देख रहे हैं और उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। हमें उसका मेंटल हेल्थ के भी बारे में पता होना चाहिए, सोशल सपोर्ट एंड स्पिरिचुअल वेलबींग। तो आपने एक होलिस्टिक अप्रोच से पेशेंट को ट्रीट करना है। देन डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, जैसे ऑलरेडी हमने बात की कि रिस्क फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, तो इंडिविजुअल बिहेवियर हो सकता है, एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर्स हो सकते हैं, सोशो इकोनॉमिकल रिस्क फैक्टर्स होंगे, सोशो कल्चरल, हेल्थ केयर सिस्टम। एज एंड जेंडर की बात करें तो कुछ एज ग्रुप में, जैसे हम ओल्ड एज में बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस कॉमन है, बच्चों में प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन एनीमिया कॉमन है, फीमेल में एनीमिया कॉमन है। तो ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो आजकल हम बात कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी की, जो सोशल मीडिया वगैरह का ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, उससे भी मेंटल हेल्थ इफेक्ट हो रही है। एंड इक्विटी एंड सोशल जस्टिस, ह्यूमन राइट्स, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड इक्वल और इक्विटेबल। जो हमारे प्राइमरी हेल्थ केयर है उसका मेजर एक प्रिंसिपल है कि इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। प्राइमरी हेल्थ केयर जो हम जो बात कर रहे हैं कि कम्युनिटी मेडिसिन में कि प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच होनी चाहिए हमारी, तो उसमें एक है कि जो इसके प्रिंसिपल्स हैं, देयर इज फोर प्रिंसिपल्स ऑफ प्राइमरी हेल्थ केयर: एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन। तो जो इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन की हमने बात की, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की हमने बात की कि वहाँ के जो लोकल स्टेक होल्डर्स है, हेल्थ प्रोफेशनल्स है, उनका इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, है ना। एक हमने बात कर रहे हैं इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। क्या होता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन? अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ द पेशेंट। जो हमारी अभी जैसे अपनी चिरंजीवी योजना है ना, तो उसमें भी हमारा बीपीएल कार्ड वालों को ही फैसिलिटी मिल रही है। तो और इक्विटेबल, जिसको जितनी नीड है उतना हमने उसको दिया, इक्वल में मतलब सबको हमने बराबर दे दिया। इक्विटेबल में अकॉर्डिंग टू देयर नीड हमने उनको हेल्थ फैसिलिटी या प्रोवाइड की, ठीक है। एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी, हाँ वेरी गुड, इंपॉर्टेंट है कि हमने टेक्नोलॉजी मतलब एप्रोप्रिएट होनी चाहिए वहां पर। हो सकता है वहां पे लोगों के पास मोबाइल ही नहीं हो, तो सोशल मीडिया का यूज कैसे करेंगे। बेसिक जो फैसिलिटीज़ है वो वहाँ के, जैसे हम बात कर रहे हैं कि रूरल एरिया में अगर आपने कोई एमआरआई सेंटर चाल लगा दिया, तो वो क्या फिजिबल है वहाँ पे या वो अप्रोप्रिएट है? नहीं है। तो वहाँ क्या होगा कि जो हम हेल्थ वर्कर है, जैसे आप बात करते हैं कि सब सेंटर की, जो कि 5000 की पॉपुलेशन पे सब सेंटर है, तो वहाँ पर डॉक्टर भी नहीं है, खाली वहाँ कौन है, ANM है, नर्सिंग स्टाफ है। तो उनको हम जस्ट ये बताएं, इतना अवेयर कर दें कि वो हाई रिस्क पेशेंट्स को देख लें, वो ये देखें कि इस पेशेंट को कब रेफर करना है। आशा है, आशा गांव में जाकर वहाँ की जो फीमेल हैं उनको एस्कॉर्ट करें, उनको हेल्थ फैसिलिटी में इंस्टीट्यूट में लेके आए और उनको होम डिलीवरी के बजाय इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी के लिए प्रमोट करें। तो वो एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी हो गई है, क्योंकि वो जितनी ज़रूरत है उनको अभी अवेयरनेस ही नहीं है, तो अभी तो उनको ज़रूरत अवेयरनेस की है ना। तो हमें वो करना है जो वहाँ लैकिंग है और उसकी जहाँ ज़रूरत है, कॉस्ट इफेक्टिव भी होना चाहिए। कि हमने सीटी स्कैन लगा दिया PSC पे, तो वहाँ पे तो डॉक्टर ही नहीं है, सीटी स्कैन करेगा कौन है? तो वहाँ ज़रूरत क्या है? वहाँ सिंपल एक्सरे हो जाए, उसकी ज़रूरत है उतना ही है कि वो देख ले कि भाई हाँ इनको कुछ तो प्रॉब्लम है और रेफर कर दे, ब्लड शुगर चेक कर ले, यूरिन टेस्टिंग हो जाए, मलेरिया की टेस्टिंग हो जाए, जो सिंपल चीज़ें जो हेल्थ सेंटर की ज़रूरत है उतना फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल हो, दैट इज अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी। ये डिफरेंट लेवल है हेल्थ केयर की। तो जो हम बात कर रहे हैं प्राइमरी लेवल केयर, जो हम बात कर रहे हैं अभी तक हमारा इम्पॉर्टेंट, जो कम्युनिटी मेडिसिन के हिसाब से हम बात कर रहे हैं खाली प्राइमरी हेल्थ केयर की। बाकी सेकेंडरी और टर्शरी में तो आपका मेडिकल कॉलेजेस आ गए हैं,
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल आ गया है, लेकिन हम जब फैमिली एडॉप्शन प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, फैमिली प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए कौन सी लेवल इम्पॉर्टेंट है? तो हमारे लिए प्राइमरी लेवल केयर, जिसमें क्या हो गया, सब सेंटर है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। तो एक सब सेंटर 3,000 to 5,000 पॉपुलेशन पे है और प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है वो 20,000 to 30,000 पॉपुलेशन पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है। सब सेंटर पे जो इंचार्ज है वो ANM है, नर्सिंग स्टाफ, और प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे मेडिकल ऑफिसर इज द इंचार्ज ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर पे जो हम विजिट कराएंगे वो कहाँ, आपका विलेज में ही विजिट कराएंगे। तो आपके लिए कौन सा लेवल तक इम्पोर्टेंस है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम? टू प्रोवाइड इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट विथ प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू फैमिली सेंटर्ड हेल्थ केयर। हमारा एम क्या है कि अब क्यों हम फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम करा रहे हैं, तो ये फैमिली सेंटर्ड हेल्थ केयर है, नॉट पेशेंट सेंटर्ड, है ना। पूरी होल फैमिली को होलिस्टिक अप्रोच आप रख रहे हो, पूरी फैमिली का आप इंटरव्यू करोगे, पूरी फैमिली की प्रॉब्लम्स देखोगे, तो ये फैमिली सेंटर्ड हेल्थ केयर है। एंड मेडिकल स्टूडेंट अडॉप्ट ए फैमिली फ्रॉम ए रूरल और अर्बन सेटिंग, कंडक्ट रेगुलर विजिट टू असेस हेल्थ स्टेटस, एजुकेट एंड प्रोवाइड बेसिक हेल्थ केयर सपोर्ट टू द फैमिली। ये कुछ हमारे फोटोग्राफ्स हैं जहाँ पे आपको फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में लेके जाते हैं। 5 families एक बच्चे को अलॉट की जाएगी, है? आपको उनको फॉलो करना है, तो इट इज लॉन्जिट्यूडनल हेल्थ केयर। तो आपको 3 years तक उनको फॉलो करना है, उस सेम फैमिलीज को, और अलग अलग, जैसे अभी फर्स्ट ईयर में जाओगे तो उसका अलग प्रोफॉर्मा है ना, सेकेंड ईयर में फिर आपको उसका एडवांस प्रोफॉर्मा हो जाएगा, कि अभी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि ब्लड प्रेशर कैसे चेक करते हैं, उनका प्रॉब्लम हिस्ट्री कैसे लेंगे, फैमिली का स्ट्रक्चर कैसे देखना है ना, फैमिली का इम्यूनाइजेशन है तो वो किस तरह से हिस्ट्री टेकिंग कैसे होनी चाहिए। तो ये आपको जो भी हमारा रूरल अर्बन एरिया है वहाँ पे ले जाके फैमिली अलॉट की जाएगी। क्यों इम्पॉर्टेंट है हम बात कर रहे हैं फैमिली अडॉप्शन, जो नेशनल मेडिकल काउंसिल ने भी बहुत एम्फेसिस है इसके ऊपर कि फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम अच्छे से सारे मेडिकल कॉलेज में होना चाहिए, बिकॉज इन इंडिया 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इज रूरल पॉपुलेशन एंड मोस्ट हेल्थ केयर फैसिलिटीज आर इन अर्बन। तो हेल्थ जो जितनी पॉपुलेशन है 70-80% वो रूरल पॉपुलेशन है, बट हेल्थ जो फैसिलिटीज है वो 70-80% जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो कहाँ है, अर्बन एरिया में। And health is a human right. We need to achieve health for all. And what are the barrier of health for all? Literacy, ignorance about health, travel to healthcare facilities, daily wages work. क्योंकि एक गांव में अगर कोई डेली वर्कर है, लेबर क्लास है, तो वो इसलिए नहीं हॉस्पिटल में लेके आता है क्योंकि उसको लगता है कि मेरा आज का 300 रुपये का या 500 रुपये का नुकसान हो जाएगा। अगर मैं पेशेंट को लेके आ जाऊँगा तो मेरा पूरा दिन जाएगा और मेरा 500 रुपये का नुकसान हो जाएगा। और ज़्यादातर फैमिलीज में ये प्रॉब्लम होती है कि वाइफ बीमार है, बच्चे को तो फिर भी लोग लेके आ जाते हैं, है ना, लेकिन अगर किसी के घर में फीमेल कोई बीमार है तो लेके नहीं आते, उनको लगता है कि हमारा नुकसान हो जाएगा। तो अगर हम फैमिली में जाएंगे या हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर को हम स्ट्रेंथनिंग करेंगे उसकी, तो आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो सकती है। एंड हेंस देयर इज स्ट्रॉन्ग नीड टू मेक हेल्थ केयर मोर एक्सेसिबल टू द रूरल एरिया। एम ऑफ फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम टू प्रोवाइड एन एक्सपेरिमेंटल लर्निंग अपॉर्चुनिटी टू इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट टूवर्ड्स कम्युनिटी बेस्ड हेल्थ केयर एंड देयर बाय एनहांस इक्विटी इन हेल्थ। ऑब्जेक्टिव ऑफ फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम, फर्स्ट इज ओरियंट द लर्नर टूवर्ड्स प्राइमरी हेल्थ केयर, क्रिएट हेल्थ रिलेटेड अवेयरनेस विद इन द कम्युनिटी, फंक्शन एज ए फर्स्ट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट फॉर एनी हेल्थ इशू विद इन द कम्युनिटी, एक्ट एज ए conduct between the population and relevant healthcare facility, generate and analyze related data for improving health outcome and evidence based clinical practice. So hamara main aim kya hai ki aapko primary healthcare ke bare mein orient karna, awareness par aap jaoge family mein wahan pe educate karoge community ko about healthcare, and first point of contact for health issues, and उसके बाद में आप इम्प्रूव करेंगे हेल्थ। इसकी वजह से आप एक फैमिली में 5 साल के लिए जा रहे हैं, 3 साल के लिए जाते हैं, तो वहाँ पे वो लोग आपसे
फैमिलियर होंगे तो आपके हेल्थ प्रॉब्लम्स के आपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे 250 स्टूडेंट्स हैं, अगर 250 स्टूडेंट्स हर स्टूडेंट 5 फैमिलीज को अडॉप्ट कर रहे हैं और अभी हमारे पास जैसे 4 बैचेस चल रहे हैं, तो हम पूरे एक विलेज को जितने भी उसमें वहाँ पे फैमिलीज हैं उनको अडॉप्ट कर रहे हैं, तो हर फैमिली का इंडिविजुअली हम टेक केयर कर सकते हैं, इंडिविजुअल हेल्थ केयर कर सकते हैं, है ना। तो इससे क्या होगा, अल्टीमेटली तो हेल्थ आउटकम्स इम्प्रूवमेंट होगा। ठीक है, क्या क्या स्टेप्स रहेंगे फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में, तो फर्स्ट आइडेंटिफाई द फैमिली, सेलेक्ट ए फैमिली फ्रॉम असाइंड कम्युनिटी, जो कि हम लोग ऑलरेडी उसकी लिस्ट होती है हमारे पास में। इनिशियल असेसमेंट, रिकॉर्ड फैमिली डेमोग्राफी, डेमोग्राफी में एज, सेक्स, ऑक्यूपेशन, है ना, वो सारा आप जितने भी फैमिली मेंबर हैं उनके डेमोग्राफिक डिटेल लेंगे। मेडिकल हिस्ट्री, अगर उनको कोई प्रीवियस हाइपरटेंशन, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज या किसी भी तरह की उनको कोई प्रॉब्लम है वो रिकॉर्ड करना है। एंड लाइफस्टाइल फैक्टर में उनको कोई स्मोकिंग की हैबिट है, अल्कोहल की हैबिट है, या जो भी उनका लाइफस्टाइल प्रॉब्लम है वो फैक्टर्स को हमें रिकॉर्ड करना है। देन प्रोवाइड हेल्थ एजुकेशन अबाउट हाइजीन एंड प्रिवेंटिव केयर ऑफ डिजीज, फॉलो विजिट, मॉनिटर प्रोग्रेस, प्रोवाइड सपोर्ट एंड रेफर टू स्पेशलिस्ट इफ नीडेड। जब हम एक फैमिली को फॉलो कर रहे हैं तो उसमें अगर कोई भी हमें लग रहा है कि इसका लिपिड प्रोफाइल ज़्यादा है तो हमें उन्हें एडवाइस करना है और उसको रेफर करना है। डायबिटीज़ है किसी फैमिली में तो उसको एडवाइस करके रेफर करना है हमें। तो हमारा काम है खाली आइडेंटिफाई करना डिजीजेस को, उनको होलिस्टिक अप्रोच से हमें उनको एजुकेट भी करना है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना है, और अल्टीमेटली अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो उसको रेफर भी करना है। रोल ऑफ मेडिकल स्टूडेंट इन द प्रोग्राम, असेसमेंट, इवेल्यूएट द हेल्थ स्टेटस ऑफ इंडिविजुअल फैमिली मेंबर, हेल्थ एजुकेशन टू कंडक्ट सेशन ऑन न्यूट्रिशन, हाइजीन, डिजीज प्रिवेंशन, लाइफस्टाइल फैक्टर। ये ऑलरेडी आप थोड़ा हेल्थ एजुकेशन के बारे में जब भी फैमिली में जाएं तो हेल्थ एजुकेशन के बारे में थोड़ा पढ़ के जाएं, है ना, और किस तरह से कम्युनिकेट करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, है ना। तो ये एक्चुअली ये भी बेनिफिट है कि आपको काउंसलिंग किस तरह से करनी है, कम्युनिकेशन कैसे करना है, तो ये भी क्योंकि एक रियल वर्ल्ड आपका अप्रोच होगी, है ना। ये नहीं कि खाली हम पेशेंट को हॉस्पिटल में देख रहे हैं, हम एक रियल सिचुएशन में जाके हम ट्रीट कर रहे हैं। सो असिस्ट फैमिलीज इन असेसिंग हेल्थ केयर फैसिलिटी एंड डेटा कलेक्शन, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन फैमिली हेल्थ एंड एनवायरमेंट। बेनिफिट ऑफ फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम, रियल वर्ल्ड एक्सपोजर, डायरेक्ट इंटरवेंशन विद फैमिलीज, प्रोवाइड ए प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेल्थ केयर चैलेंजेस। क्योंकि आप जब वहाँ फैमिली में जा रहे हैं तो आप पूरा उनका देख रहे हैं कि उनकी हाइजीनिक कंडीशंस कैसी है, एनवायरमेंटल कंडीशन क्या है, उनके सोशल इश्यूज क्या हैं, अगर उनका कोई मेंटल इश्यूज क्या है, तो एक रियल वर्ल्ड से आपका एक्सपोजर हो रहा है, एक पूरा यूनिट से एक्सपोजर हो रहा है, नॉट ए पेशेंट। आप जब पेशेंट आपके ओपीडी में क्या, खाली आप पेशेंट्स को देख रहे हैं, लेकिन आप जब फैमिली में जा रहे हैं तो एक पूरा आपको एक यूनिट के साथ में एक्सपोजर हो रहा है, तो आपको सब चीज पता चलेगी कि क्या कॉन्सिक्वेंसेज, क्या इम्पैक्ट हो सकता है। अगर वहाँ हाइजीनिक कंडीशन नहीं ठीक है तो उसका क्या इम्पैक्ट है बच्चों पे, इम्यूनाइजेशन प्रॉपर नहीं है तो उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, अगर उनकी फूड प्रैक्टिसेस ठीक नहीं है तो उनके घर में कितने एनीमिक फीमेल हैं, है ना, बच्चे अगर बर्थ स्पेसिंग ठीक नहीं है तो उनमें हो सकता है मदर एनीमिक हो, तो ये सारे रियल वर्ल्ड जो एक्सपोजर होगा एक पूरी फैमिली यूनिट के साथ में एक्सपोजर होगा। देन एम्पैथी बिल्डिंग, डेवलप कंपेंशन एंड इंटरपर्सनल स्किल्स बाय एंगेजिंग विथ डाइवर्स कम्युनिटीज। तो एम्पैथी, सिंपैथी और एम्पैथी क्या फर्क है दोनों में, तो सिंपैथी मतलब एक हमने किसी को फीवर है कुछ है हमने बोल दिया कि हाँ ठीक है, बस हम उसकी जगह वो अपने आप को रख के सोचें कि हाँ तो उसके फीलिंग को हम समझे, है ना, तो वो एम्पैथी हो गई। कॉम्प्रिहेंसिव लर्निंग, इंटीग्रेट थ्योरेटिकल नॉलेज विथ रियल लाइफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग फैमिली डायनेमिक एंड सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर। हो सकता है हमने मेडिसिन जो हम दे रहे हैं वो बहुत, हम उसको मेडिसिन बहुत महंगी है वो अफोर्ड ही नहीं कर सकते, तो हम जब फैमिली में जा रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि उसका वो क्या उस हो सकता है अफोर्ड कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा, उसकी फैमिली कंडीशंस कैसी हैं, उसके सोशो इकोनॉमिकल फैक्टर्स भी हम देख रहे हैं साथ में, तो एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच से हम उसको ट्रीट कर रहे हैं। ओवरव्यू ऑफ फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम,
कम्युनिटी एंगेजमेंट, स्टूडेंट्स आर रिक्वायर्ड टू अडॉप्ट फैमिली फ्रॉम ए स्पेसिफिक कम्युनिटी टू डेवलप ए डीपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर हेल्थ नीड, कल्चरल प्रैक्टिस एंड सोशियो इकोनॉमिकल चैलेंजेस, एंड इट इज लॉन्जिट्यूडनल लर्निंग, क्योंकि हम अभी फर्स्ट ईयर में स्टार्ट कर रहे हैं और उसको फाइनल ईयर तक फॉलो कर रहे हैं, है ना। तो हम उसके कॉन्सिक्वेंसेज भी देख रहे हैं। हो सकता है हमने जैसे 3 साल पहले कोई चीज़ एडवाइस की है, है? तो उसमें इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया, उन्होंने हो सकता है वो चीज़ को फॉलो नहीं किया है तो उसके क्या ड्रॉबैक्स हुए, तो वो हम फॉलो कर रहे हैं पेशेंट को। और हो सकता है आपके बाद में आपके जो जूनियर आएंगे वो उन फैमिलीज को अडॉप्ट करेंगे, है ना, वो उसको फॉलो करेंगे। तो एक हम लॉन्जिट्यूडनल सर्वे भी हो रहा है, हमें न्यू रिस्क फैक्टर्स के बारे में भी पता चल रहा है। जब भी हम सर्वे करते हैं लॉन्जिट्यूडनल स्टडी, उसमें हम 15 साल 20 साल तक फॉलो करते हैं सेम पेशेंट्स को, है ना। ऑलरेडी जैसे हम एक स्टडी कर रहे हैं जिसमें हमने 2003 में स्टार्ट की थी और अभी तक हम उनके रिस्क फैक्टर्स का सर्वे कर रहे हैं। तो ये लॉन्जिट्यूडनल सर्वे है, तो इससे हमें कई इस तरह की प्रॉब्लम भी निकल के आएंगी कि जो रिस्क फैक्टर्स आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं और हमारा इम्पैक्ट क्या हो रहा है एजुकेशन का, फैमिली अडॉप्शन का, जो हम जा रहे हैं होलिस्टिक अप्रोच जो हम कर रहे हैं उसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है, वो भी हमें इसे लॉन्जिट्यूडनल सर्वे से पता चलेगा। तो एक लॉन्जिट्यूडनल लर्निंग होगी आपकी कि एक फैमिली को आप बार बार जाएंगे और देखेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि हमारे क्या ड्रॉबैक्स हैं, हमें हमने पिछली बार ये नहीं बताया था, हो सकता है हमें ये बताना चाहिए था, है ना। सेलेक्शन ऑफ फैमिली, स्टूडेंट्स आर असाइन टू अडॉप्ट फैमिलीज फ्रॉम डेजिग्नेटेड एरिया, एंश्योरिंग ए डाइवर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिटी। सेलेक्शन क्राइटेरिया इंक्लूड फैमिलीज सोशियो इकोनॉमिकल स्टेटस, हेल्थ स्टेटस एंड एक्सेसिबिलिटी, एंड इनिशियल असेसमेंट, कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट ऑफ फैमिली, डेमोग्राफिक डेटा, मेडिकल हिस्ट्री, लाइफ स्टाइल प्रैक्टिस, एनवायरमेंटल फैक्टर, हेल्थ स्क्रीनिंग एंड एवेल्यूएशन ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। हेल्थ एजुकेशन एंड इंटरवेंशन बेस्ड ऑन इनिशियल असेसमेंट, हेल्थ एजुकेशन टू फैमिली मेंबर अबाउट न्यूट्रिशन, हाइजीन, प्रिवेंटिव केयर एंड मैनेजिंग क्रॉनिक कंडीशन। अगर किसी को डायबिटीज है तो हम डायबिटिक फूड ना हो डेवलप हो उसको, और कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस नहीं हो तो उसके बारे में भी हम उसको एजुकेट करेंगे। इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन जैसे हम रिगार्डिंग इम्यूनाइजेशन, हेल्थ कैंप्स, अवेयरनेस कैंप, फॉलोअप विजिट, रेगुलर फॉलोअप विजिट टू मॉनिटर फैमिलीज हेल्थ, प्रोवाइड ऑनगोइंग सपोर्ट, एडजस्ट इंटरवेंशन, लॉन्जिट्यूडनल अप्रोच, अंडरस्टैंड द डायनेमिक्स ऑफ क्रॉनिक इलनेस मैनेजमेंट एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ केयर, एंड डॉक्यूमेंटेशन एंड रिफ्लेक्शन। जो भी आप फैमिलीज करेंगे उसके लिए आपके पास में एक लॉग बुक होगी जो आपको सबको डिपार्टमेंट से खरीदनी है। जब भी आपका फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम स्टार्ट होगा आपको एक लॉग बुक लेनी है, और जो भी आप फैमिली में विजिट करेंगे 5 families का, उसकी रिकॉर्डिंग होगी, उसके रिफ्लेक्शंस आप लिखोगे लॉग बुक में और पोर्टफोलियो के थ्रू। तो लॉग बुक क्या है, लॉग बुक में आपने जो भी एक्टिविटीज की हैं वो आप लॉग बुक में मेंशन करेंगे, पोर्टफोलियो में उसके जो भी रिफ्लेक्शन हो एक्टिविटी के डिटेल में आप पोर्टफोलियो में मेंशन करेंगे। रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस इज एनकरेज, अलाउिंग स्टूडेंट टू एवेलेट देयर एक्सपीरियंसेस, चैलेंजेस फेस एंड लेसन लर्न ड्यूरिंग द प्रोग्राम। क्या फायदा है जो हम लॉग बुक की बात कर रहे हैं या हम पोर्टफोलियो की बात कर रहे हैं कि आपने वहाँ क्या चैलेंजेस फेस किए और आपको क्या इसमें आपने क्या एडवाइस किया उनको, है ना, उसके बाद में उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वह दोबारा से उसको जब रिविजिट करोगे तो उसको आप ठीक कर सकते हो। क्यों हम क्या लर्निंग आउटकम है फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम के, तो कॉम्पिटेंसी डेवलपमेंट, द फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम एम टू डेवलप कॉम्पिटेंसीज इन कम्युनिकेशन, क्लिनिकल स्किल, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ। जब आप फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में जा रहे हैं तो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं, क्लिनिकल स्किल्स भी इम्प्रूव होंगे, क्योंकि आप वहाँ पे ब्लड प्रेशर भी देखेंगे उनका, उनका हाइट वेट भी लेंगे, उनका ये भी देखेंगे कोई एनिमिक तो नहीं है, तो क्लिनिकल स्किल भी इम्प्रूव होंगे। देन कम्युनिटी एंगेजमेंट, आप वहाँ के कम्युनिटी से बात करेंगे, स्टेक होल्डर से बात करेंगे तो एक कम्युनिटी एंगेजमेंट होगा, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ, क्योंकि अलग अलग एरिया के हो सकते हैं अलग अलग सोशल फैक्टर्स हों, है ना, तो वो भी आप जब हम पूरा ओवरऑल कम्युनिटी में हम जाते हैं सर्वे करते हैं तो हमें ओवरऑल हमें उसका नॉलेज मिलेगी। देन स्टूडेंट लर्न टू अप्रोच हेल्थ केयर फ्रॉम फैमिली एंड कम्युनिटी परस्पेक्टिव रादर देन इंडिविजुअल अप्रोच। इंटरडिसिप्लिनरी कोलैबोरेशन विथ अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स
एंड प्रमोशन ऑफ एम्पैथी एंड कंपैशन, एंगेजिंग विद फैमिली, फोस्टर एम्पैथी, अंडरस्टैंड एंड रेस्पेक्ट फॉर डाइवर्स कल्चर एंड सोशल बैकग्राउंड विच आर एसेंशियल ट्रेड्स फॉर फ्यूचर हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम रिकमेंडेड एज ए पार्ट ऑफ क्यूरिकुलम ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन एंड शुड बिगेन फ्रॉम फर्स्ट प्रोफेशनल ईयर विथ कॉम्पिटेंसीज बींग स्प्रेड इन असेंडिंग मैनर फॉर एंटायर MBBS ट्रेनिंग प्रोग्राम। एंड फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम शैल इंक्लूड विलेजेस प्रेफरेबली नॉट कवर अंडर PSC अडॉप्टेड मेडिकल कॉलेज। जो हमारे मेडिकल कॉलेज में दो, एक PSC और एक रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर है और एक अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर। रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर जो हमारा है वो वाटिका में है, अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर हमारा प्रताप नगर में है ना। तो हर मेडिकल कॉलेज के अंडर में एक रूरल हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर होता है और एक अर्बन हेल्थ ट्रेनिंग सेंटर होता है। बट जो हम फैमिलीज अडॉप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ तो हम ऑलरेडी सर्वे करते ही हैं हमारी RSTC USTC पे, तो हमारा जो NMC की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग जो हम फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम में जो हम फैमिलीज अलॉट करेंगे वो हमारे PSC के जो अडॉप्टेड मेडिकल कॉलेजेस के अंडर जो RSTC USTC है उनके अलावा दूसरे विलेज से हम अडॉप्ट करेंगे। मेडिकल स्टूडेंट डिवाइड इनटू टीम्स विद इनटू 5 फैमिलीज पर स्टूडेंट। द एंटायर टीम वर्क अंडर मेंटर और टीचर। ये ऑलरेडी जो हमने बात की कि आपके पास में लॉग बुक और पोर्टफोलियो है, जब आप इसमें आपको एड्रेस, विलेज की डिटेल और उसका बाद में उसका वहाँ के जो मेंबर्स हैं उनका सारी डिटेल वगैरह इसमें लॉग बुक में होगी। तो सभी लोगों को जब आपके फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो लॉग बुक खरीदनी है डिपार्टमेंट से। एंड सो फाइनली वी कंक्लूड दिस, कम्युनिटी हेल्थ इज अटमोस्ट इम्पॉर्टेंस, होलिस्टिक हेल्थ केयर इज नीडेड ऑफ द कम्युनिटी, फैमिली अडॉप्शन प्रोग्राम इज अपॉर्चुनिटी टू लर्न द डायनेमिक्स एंड हेल्थ नीड्स ऑफ द फैमिली एंड कम्युनिटी, प्रिवेंशन इज द की स्टेप इन कम्युनिटी मेडिसिन और मेडिसिन, हेल्दी फैमिली एंड कम्युनिटी आर द बैकबोन ऑफ द नेशन। ठीक है, किसी को कोई क्वेरी है, कुछ पूछना है?